विधानसभा ज्वालामुखी में लाखों रुपए खर्च कर अडवाणी में बनाई गई गौशाला को खोलने की मांग को लेकर गौ रक्षा समिति अडवाणी अध्यक्ष सुनील राणा की अध्यक्षता में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा से मिला। किसानों ने अपनी मांग एसडीएम के समक्ष रखते हुए कहा कि उनकी खेतों में फसलें खराब हो रही हैं और आवारा पशुओं का आतंक क्षेत्र में फैला हुआ है। विधानसभा ज्वालामुखी में लाखों रुपए खर्च कर अडवाणी में बनाई गई गौशाला को खोलने की मांग को लेकर गौ रक्षा समिति अडवाणी अध्यक्ष सुनील राणा की अध्यक्षता में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा से मिला। किसानों ने अपनी मांग एसडीएम के समक्ष रखते हुए कहा कि उनके खेतों में फसलें खराब हो रही हैं और आवारा पशुओं का आतंक क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में आवारा पशुओं के लिए बनाई गई अडवाणी में लाखों रुपए खर्च कर गौशाला जिसमें 100 से ज्यादा पशुओं के बांधने की व्यवस्था का प्रबंध है, इसे स्थानीय प्रशासन जल्द खुलवाए और किसानों को राहत दे। इससे पहले भी लगभग 2 महीने पहले मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे, लगभग इतने ही लोग थे। उस टाइम भी मैंने इनको ये कहा था क्योंकि कुछ एक दूसरा गुप्त एक और है जो वहाँ पे गौशाला नहीं चाहता है और एक इनका गुट है जो गौशाला चाहता है। तो हमने ये मैटर जो है वो वीडियो डेरा को रेफर करा हुआ है इंक्वायरी के लिए कि आप फैक्ट्स के बेस पे इंक्वायर करें कि वहाँ पे गौशाला का संचालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी तक उन्होंने कोई मुझे रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लुथान में एक बहुत बड़ा पॉकेट ऑफ लैंड है, लगभग 400 बीघा के आसपास। सुनील राणा ने कहा कि स्थानीय विधायक के समक्ष भी इस मामले को कई बार उठाया जा चुका है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। राणा ने कहा कि अडवाणी में जल्द ही गौशाला नहीं खोली गई तो आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आपको बताते चलें कि अडवाणी गौशाला को लेकर 2 महीने पहले भी लोग गुटों में आ गए थे। इसमें एक गुट अडवाणी गौशाला को खुलवाना चाहता था और एक नहीं। ऐसे में ये मामला वीडियो देहरा को सौंपा गया था जिसको लेकर अभी तक इस मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं 400 बीघा जमीन पर लुथान में गौ अभ्यारण, वहीं 100 बीघा जमीन पर लुथान में गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें हजारों आवारा पशुओं को आश्रय मिल पाएगा। अडवाणी के किसान एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गौशाला प्रशासन ने यहाँ बना रखी है, पिछले 3-4 वर्षों से ये बनी हुई है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द चालू करे। तो हम पहले भी एसडीएम महोदय के पास एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी हम भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि एसडीएम साहब से मिलके हम ये बात कर सके कि इस गौशाला को कब ये शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार दोबारा से फिर से फसल हमारी तैयार होने पर आ गई है। आवारा पशु हमारी फसलों को पिछले काफ़ी सालों से नुकसान पहुँचाते आए हैं। तो हम अपने पत्रकार महोदय के माध्यम से ये प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस गौशाला को चालू किया जाए और आवारा पशु जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द गौशाला के अंदर बांधा जाए। दूसरा, मैं अपने इन सभी लोगों की तरफ से अपने विधायक महोदय को ये कहना चाहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, विधायक जी हमारे इस जो कठिनाई से हम गुजर रहे हैं यहाँ के किसान, जो हमारी गौशाला यहाँ पे बन के तैयार हो गया है उसमें हमारी चालू करवाने में हमारी सहायता कीजिए ताकि जल्द से जल्द ये चालू हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।